अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज करने जा रहे हैं हम लोग इफ्तार की प्रिपरेशन। गाइस चलिए चलते हैं और करते हैं इफ्तार में प्रिपरेशन। और आज हम लोग बनाएंगे गाइस पिज़्ज़ा, जो कि होने वाला है होममेड पिज़्ज़ा। तो चलिए देखते हैं मम्मी के हाथ का पिज़्ज़ा कैसा रहता है। और रमज़ान में इफ्तार में पिज़्ज़ा हम लोग पहली बार करने वाले हैं। गाइस आप लोग बताइएगा आप लोग इफ्तार में क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं। फिलहाल हम मम्मी बना रहे हैं पिज़्ज़ा, जो कि फटाफट से बन जाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है इफ्तार के टाइम के लिए। मम्मी ने कहा हम लोग की रिक्वेस्ट आई है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा बनता है। मम्मी ने लिया है पिज़्ज़ा सॉस और उसको दोनों पिज़्ज़ा ब्रेड पर लगा दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपने स्पून से लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने लेनी है कैप्सिकम। कैप्सिकम को आपने ऐसे कट कर लेना है डाइस शेप में। ठीक है, आप डाइस शेप में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। चलिए देखते हैं होममेड पिज़्ज़ा क्या कंपैरिजन में मार्केट वाले पिज़्ज़ा के कुछ मुकाबला कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, तो मम्मी डाल रही, मम्मी इतने बारीक बारीक काटने लगी, लगा गाइस जैसे लग रहा था धनिया काट रही हूँ। मैंने बोला मम्मी बड़े बड़े साइज़ की काटिए बड़े बड़े, पर मम्मी चलिए गाइस जैसा भी है। मम्मी का अगर छोटा छोटा काटूंगी ना तो जल्दी पक जाएगा, तो इसलिए छोटे छोटे डाइस में मम्मी ने काट ली है कैप्सिकम, क्योंकि हम लोग को इसको कुकड करना है। ठीक है, स्टीम करना है, स्टीम फूड करना है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। मम्मी ने कहा थोड़ा थोड़ा जल्दी मुझे फटाफट से बनाना हो तो तुम अपना मुंह बंद रखो। तो मैंने अपना मुंह बंद कर लिया, और मम्मी ने कहा कि तुम चुपचाप देखो और बताना कैसा बन रहा। ठीक है, ये मम्मी ने गाजर भी डाल दिया। गाइस मम्मी ने कहा गाजर है तो इसको भी डाल दिया जाए। अरे मैंने कहा मम्मी नहीं 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 कहना कहीं कि अरे वेज पिज़्ज़ा है इसमें सब डलता है पागल। तो फिर मम्मी ने डाल दिया, मेरी एक भी नहीं सुनी। और गाइस फिर एंड में देखते हैं क्या होता है हमारा पिज़्ज़ा कैसा बनता है। फिलहाल मम्मी का ये एक्सपेरिमेंट है और ऑन द स्पॉट वाला एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये रहा चीज़ का डाइस, जो कि बहुत ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा गाइस किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर। ठीक है, तो ये चीज़ का डाइस है और इसे जा रही मम्मी डालने के लिए। अभी तक तो ठीक ठाक ही लग रहा है, पर पता नहीं स्वाद में कैसा होगा, ये तो नहीं पता हमें। ये तो हम लोग स्टार में ही बताएंगे कैसा है। मम्मी फटाफट से डाल रही है ग्रेट करके ये चीज़। और आप लोग बताइएगा गाइस आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है, वेज या नॉन वेज। तो मम्मी बना रही है वेज ही पिज़्ज़ा, ठीक है, जो कि ओनली वेजिटेबल्स वाला होने वाला है। और ये डाल दी मम्मी चीज़, लुक वाइज तो एकदम अच्छा लग रहा है गाइस। आप लोग बताइएगा कि लुक वाइज कैसा लग रहा है, एकदम मार्केट वाली पिज़्ज़ा की जैसा ही लग रहा है लुक वाइज। तो देखते हैं टेस्ट में कैसा आता है। और ये डाल दिए मम्मी ने चीज़ ग्रेट करके, ठीक है, और इसके बाद देखते हैं ये अवन में जाएगा तो फिर इसका कैसा होगा लुक। ठीक है, इस तरीके से मम्मी ने डाल दिया और उसके बाद मैं जा रही हूँ निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग अवन में लगा चुके थे 35 मिनट्स। और उसके बाद गाइस ये हो गया है रेडी, चलिए देखते हैं कैसा पका है। एकदम गाइस ऐसा लग रहा था ना कि जैसे एकदम मार्केट वाले पिज़्ज़े वाली स्मेल आ रही थी, वैसे ही लुक आ रहा था। बस थोड़ा सा डेकोरेशन कम की थी मम्मी ने, लेकिन बाकी स्वाद जो है ना गाइस एकदम मार्केट वाले पिज़्ज़ा के जैसा था। तो और क्या चाहिए, हम लोगों की रिक्वेस्ट पर मम्मी ने ऑन द स्पॉट हम लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट किया। फ्रेंड्स आप बताइएगा क्या ये मार्केट वाली पिज़्ज़ा के कंपैरिजन में आया है या नहीं। तो गाइस वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग जा रहे हैं इफ्तार करने के लिए गाइस, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो चुका है। पिज़्ज़ा तो करेंगे आज इफ्तार, बहुत मज़ा आने वाला है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।